अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप। ये ड्रेस का कलर था सिल्वर भी उसमें आ रहा था, ग्रीन भी आ रहा था, पिंक शेड भी आ रहा था, तो देख लें जी कौन सा कलर का हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ख़ास कर वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूं। ये सबसे पहले मैंने सिल्वर शेड लगा लिया है आई लिड पर, उसके बाद ये मैंने मैक कर लिया है ग्रीन, सिंगल शेड है ये, इसको अपनी आई लिड पर अप्लाई कर लेंगे। हाफ आई लिड पर मैंने लगा लिया है उसको, वही सिल्वर शेड के ऊपर जो मैंने सिल्वर शेड अप्लाई किया था। इनर कॉर्नर वाली साइड पर मैंने नहीं लगाया, जस्ट हाफ आई लिड पर लगाया है। और ऐसे फिंगर की मदद से आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही मज़े की ब्लेंडिंग होती है, फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होगी। ये देखें, इस तरह से फिंगर की मदद से लगाना है। और उसके बाद जो है हम लेंगे पिंक शेड, पिंक शेड के साथ हम अपनी क्रीज बनाएंगे, क्रीज लाइन पे हम अप्लाई करेंगे पिंक शेड। देखें जी किस तरह से लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ी सी मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और ये आउटर पे लगाया है, आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक शेड फ्लफी से एक ब्रांडी ब्रश के साथ मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद ये पिंक शेड लेके मैंने क्रीज लाइन बनाई है पिंक शेड के साथ। ये पूरी इनर कॉर्नर तक हम पिंक शेड से ब्लेंडिंग कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग में बार बार यही कहती हूँ कि जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखें जी, अब मैंने ये ब्लेंडिंग कर ली और कितना ही ईजी और कितना आसान मेकअप है, कितने जल्दी ये मेकअप डन हो गया है ये देख लें आप। ये आई लैश अप्लाई कर ली है, कोई मैंने 3D वगैरह लैश नहीं लगाई, ये पार्टी मेकअप है इसलिए मैंने इस पर इतनी हैवी लैश नहीं लगाई, क्योंकि पार्टी मेकअप में अक्सर लोग लाइट लैश ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें जी, ये लिया है मैंने एक्वा का जेट ब्लैक आईलाइनर। विंग हम किस तरह से बनाएंगे ये देखें जी, इस तरह से। अगर आप आँख खुलवा के बनाना चाहें, आँख खुलवा के भी हम विंग बना सकते हैं। वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि दूसरा विंग हम किस तरह से बनाएंगे जो आंख खुलवा के बनाया जाता है। इसको लाइनर को सीलर के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी कवरेज करेगा। मैंने इसमें सीलर ऐड किया है, सीलर के साथ मैंने इसको अप्लाई किया है, 4C का सीलर लगाया है मैंने। और ये लिया है जी मैंने वही 4C का सीलर, इसको मैंने आई लिड पर अप्लाई करके उसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर लिया है। और ये देखें जी, मैंने क्रिस्टाइन की पैलेट ली है, उसमें से उसका लाइट शेड लेके, ये 3 नंबर की पैलेट है, इसमें से मैंने शेड लिया है जी लाइट सा ब्राउन, उसके साथ अपने आईब्राउन को शेप दे रही हूँ। और ये मैक का डल गोल्डन शेड है, इसको हम अपने आईब्राउन पे अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको मैंने गीला करके लगाया है। देखें जी फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।